अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इम्पोरियम जाने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी और जो हमारी कज़न है ना उसकी बर्थडे है तो उसकी बर्थडे के सेलिब्रेशन का सामान लेना है, उसके लिए गिफ्ट्स लेने हैं। तो अभी रेडी शेडी होते हैं और फिर चलते हैं। चलें, इम्पोरियम हमारे घर से कुछ ही मिनट की दूरी पर है इसीलिए हम वहाँ पर जल्दी पहुँच गए। यहाँ से इसकी एंट्रेंस होती है और ये मॉल के अंदर आ गए। क्रिसमस की वजह से इन्होंने यहाँ पे डेकोरेशन की हुई थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही। इनकी डेकोरेशन जहाँ इन्होंने की हुई थी वहाँ पे मैंने बहुत सारी अपनी पिक्चर्स ली। वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि मुझे अपनी बारी का वेट करना पड़ा। बच्चा पार्टी तो हमारे लिए ड्रीम प्लेस है बल्कि सब बच्चों के लिए ही ड्रीम प्लेस है। ऐसे स्लाइम है ये, हम इतनी लेते थे ना। ओ यहाँ पे इतनी बड़ी बॉटल भी है। ओके मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इतनी बड़ी वाली है, इससे एक और बड़ी होती वो ली है क्योंकि मुझे स्लाइम्स इतनी नहीं पसंद थी। मुझे उनमें से अजीब सी स्मेल आती थी ना, जिस वजह से मुझे इतनी नहीं अच्छी लगती थी। मुझे उन्हें खेलने में ज़रा मज़ा आता था। यहाँ पे पोकेमोन मैंने भी इनसाइड कर ये रहा पोकेमोन। हाँ तो दिखा दी कुछ लोग ना इस पोकेमोन की इतने वो होते हैं कि वो इनके कार्ड्स जो होते हैं अक्सर उधर से निकलते हैं, एक गेम होती है वो भी इकट्ठे कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर अहमद अपना फेवरेट काम कर रहा है, शरारतें। फ्रेंड्स अभी जो मेरे हाथ में वो चीज़ है जो कि मैंने एक तरह का गिफ्ट है और मैं आपको एंड में बताऊंगी ब्लॉग के। और अभी मेरे सामने एक ऐसी चीज़ रखी जो कि हमने बचपन में बहुत खेली है, बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये जो ये होती है ना मछली, ये आपको याद है स्टिक स्टिक होती है और स्टिक से फिर मछलियों का मुँह खुलता है और फिर पकड़ना पड़ता है इन्हें। ये एग्जैक्टली ये वाली इसी स्टिक की मैं बात करी, ये मुँह में जाती है। हाँ बच्चे तुम खेल रहे हो फिर। यहाँ पर ट्रेन है, ये ट्रेन पहले बच्चे बहुत लेते थे, हमें भी बहुत शौक होता था। हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेन जैसे वो होती है ना, इसकी जो वो होती है रेलवे ट्रैक होते हैं वो हो पूरे घर में फैला, उसके ऊपर ट्रेन चले। हमारे पास थी भी सही लेकिन फिर उसके बाद बड़े होते गए वो उसके जो रेलवे ट्रैक से वो अलग अलग होने कहा। हेलो टेडी बियर ये मेरे लिए बैठा हुआ यहाँ पर, वो कहते कि यहाँ पर आके जाना तुम बैठो लेकिन मैं इस पर मेहरबानी करके नहीं बैठूँगी। और यहाँ पर ये मेरे ख्याल से इसमें से लाइट निकलती है, ऐसे नहीं ऐसी बात है। यस अब इसमें से अभी ज़रा शाइन करेगा थोड़ा सा ये है। और यहाँ पर ओ माय गॉड यहाँ ये सारी चीज़ें मुझे आती हैं। ये मोनोपोली मेरे पास ये बहुत ही बड़े वाला है, इसमें साइज़ है पड़ा जो सबसे लार्ज है। और लूडो भी है पड़ी है, मैं इसको सही से घुमाओ सही से। भाई इसे चलाने से बेहतर तो मुश्किल चलाने से मुश्किल तो ये इसका डालना है। इसे डालते नहीं है जब इसे घुमाते जाओ खुद ही वापस फोल्ड हो। आपसे मुझे एक मशवरा चाहिए, बताइए क्या मैं एक लूडो लूँ या फिर मोनोपोली लूँ। मोनोपोली का जो असल वाला बड़ा साइज़ है ना वो इधर से लेकर इधर तक है, वो मेरे पास पहले से है बड़ा लेकिन मुझे समझ नहीं आया जब तक मैंने ये खरीद ले, जब तक आपने मुझे कमेंट में बताना है ना मैं खरीद के घर पे खोल के इसका तो मैं खेल भी चुकी होंगी। लेकिन मैं क्या करूँ, ये लूँ या फिर एक लूडो लूँ। मोनोपोली का आई थिंक ये कार्ड वाले पैसे हैं, वहाँ पर तो कागज़ के पैसे होते हैं ना, कार्ड वाले हैं क्या लूँ मैं। फ्रेंड्स यहाँ पर रखी है हमारे काम की चीज़, ये क्रिकेट का सारा सामान पड़ा हुआ है और खदीजा का क्रिकेट ऐसे भी लेना था। और यहाँ बैडमिंटन का भी है और बैट बॉल बस यहाँ है फुटबॉल। बच्चा पार्टी से गिफ्ट की रैपिंग करा कर हम फूड कोर्ट आ गए कुछ खाने, तो यहाँ से हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ये सही है क्या? सही है। अच्छे हैं ये था हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। तो आपसे एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।